एवरीवन, कुपित भावना में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे पान का शरबत। पान सभी को बहुत पसंद होता है और पान का शरबत बहुत ही टेस्टी लगता है, काफ़ी रिफ्रेशिंग होता है। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। और रेसिपी शुरू करने से पहले, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। और चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पान का शरबत बनाने के लिए हमें किन किन सामग्री की ज़रूरत है वो हम देख लेंगे। यहाँ 2 कप मैंने चीनी ले ली है और यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 8 पान के पत्ते, जो कि मीठा वाला पान होता है जो हम खाते हैं वही पत्ते हैं। और ये जो यहाँ से इसका डंठल होता है वो हमें हटा देना है। और यहाँ मैंने ले लिया है 2 बड़े चम्मच गुलकंद। उसके बाद हमें लेनी है 5 से 7 इलायची इस तरह से बारीक कूट करके। और उसके बाद हमें लेनी है, यहाँ पर मैंने मीनाक्षी पान चटनी काम में ली है। आपके पास जो भी चटनी अवेलेबल हो, यानी आपके यहाँ जो भी आपको आसपास में पान की दुकान पे मिल जाए वो चटनी आप ले लीजिए। इसे पान बनाने में यूज़ किया जाता है, जो हम मार्केट से पान खाते हैं उसमें इसे काम में लिया जाता है। ये सेफ्रॉन ब्लेंडेड चटनी होती है तो इसे हम 1 चम्मच काम में लेंगे। और उसके बाद हमें यहाँ चाहिए ग्रीन कलर, ताकि हमारे शरबत का अच्छा कलर आ जाए। तो इसमें से हम 8 से 10 बूंद उसमें डालेंगे। तो चलिए हम रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चाशनी बना के तैयार करेंगे और चाशनी हमारी बनेगी जब तक हम पान को पीस के तैयार करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ 1 बर्तन ले लिया है गैस पे और जो चीनी हमने 2 कप ली थी वो हम इसमें डाल देंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि 2 कप हमने चीनी ली है तो यहाँ 1 कप हम इसमें पानी डाल देंगे। गैस ऑन कर देते हैं अभी। चलाते हुए इसे पकाएंगे हम चीनी के घुलने तक, जब तक हमारी चाशनी बन रही है। यहाँ हमने पान के पत्तों को इस तरह से काट के एक ग्राइंडिंग जार में डाल दिया है, इसे हम पीस लेते हैं अभी। तो फ्रेंड्स, हमने पान के पत्तों को इस तरीके से पीस लिया है। तो अभी जो हमने गुलकंद लिया था वो भी हम इसमें मिला देते हैं और साथ ही में पीस लेंगे इसे। ये देखिए, हमने गुलकंद भी इसमें मिला दिया है और अभी इन दोनों चीज़ों को एक साथ हम पीस लेते हैं अच्छे से। तो यहाँ हमारी चाशनी भी बन चुकी है, जो शक्कर है वो मेल्ट हो चुकी है और हमने पेस्ट भी बना के तैयार कर लिया है पान और गुलकंद का। तो इसे अभी एक तरफ रख देते हैं हम और हमारी चाशनी को देख लेते हैं। चाशनी लगभग बन के तैयार है। और यदि पान के शरबत में आप गुलकंद नहीं मिलाना चाहते हैं या आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह 1/2 कप चीनी और डाल दीजिए इसमें, क्योंकि हमने 1/2 कप चीनी कम ली है। गुलकंद में पहले से ही बहुत सारी शुगर होती है। तो हमारी चाशनी बनकर के बिल्कुल तैयार है, काफ़ी गाढ़ी हो गई है। और अभी हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। फ्रेंड्स, हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है और बस 2 मिनट के लिए हमने इसे ठंडा किया है। ज़्यादा ठंडा नहीं करना है लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हमने जो ये पेस्ट तैयार किया है गुलकंद और पान का वो हम इसमें डाल देंगे। और जो इलायची पाउडर हमने बना के तैयार किया है उसे भी इसमें डाल देंगे। एक बार मिक्स कर लेते हैं हम इसे। अब इसमें हम 1 चम्मच जो हमने मीनाक्षी चटनी ली है वो डाल देंगे इसमें। मिक्स कर लेते हैं हम इसे एक बार। अभी हम इसमें ग्रीन फूड कलर डाल देते हैं कुछ बूंदे, ताकि अच्छा सा ग्रीन कलर मिले हमें। तो हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और अच्छा कलर आ गया है, ग्रीन कलर इसमें।
और अभी इसे पूरी तरीके से ठंडे होने देना है हमें। और यदि आप चाहते हैं कि ये जो दरदरे दाने इसमें पान के आते हैं वो आपको नहीं पसंद है तो आप इसे छान लीजिए, और ना भी छाने तो भी ये शरबत ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। अभी इसे पूरी तरीके से ठंडा करके हम जार में या किसी भी बॉटल में भर के और फ्रिज में रख देंगे। 1 महीने तक ये शरबत बिल्कुल ख़राब नहीं होता है और बहुत ही अच्छा लगता है टेस्ट में। अभी हमारा शरबत बिल्कुल ठंडा हो चुका है और हमने इसे एक जार में भर लिया है, तो हम बना के देख लेते हैं कि हमें इसे बनाना कैसे है। जिस तरह से हम शरबत बनाते हैं उसी तरीके से हमें इसे बनाना है। बस 2 चम्मच के करीब हमें इसमें शरबत डालना है। एक एक आइस क्यूब डाल देंगे, आप चाहें तो ज्यादा डाल सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो, जितना ठंडा आपको पसंद हो। और उसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे चिल्ड। और ठंडा ठंडा सर्व करेंगे, एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये हमारा पान का शरबत बिल्कुल तैयार है। पान का शरबत आप कभी भी बना के रख सकते हैं और किसी भी सीजन में इसे आप इंजॉय कर सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये शरबत, तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। बहुत ही इजी है इसे बनाना, और रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे हम एक नई रेसिपी के